आप अगर लेक्चर सुन रहे हो स्टोरी सम लाइन समझ में आ रही है आपको तो आप लिख लोगे, अगर आपको स्टोरी लाइन समझ में नहीं आ रही तो फिर मुश्किल। भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड छत्तीसगढ़ 2000 में प्राइवेटाइज हो गई और इट बिकेम अ गवर्नमेंट कंपनी, सॉरी प्राइवेटाइज होगी और वेदांता ने उसको खरीद लिया पहले गवर्नमेंट बालको, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। सो 1970s में हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने बोला कि इंडिया इज गुड इन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, इट कैन, एंड उस खदानें बहुत है हमारे बॉक्साइट की छत्तीसगढ़ में स्पेशली, सो लेट अस बिकम वर्ल्ड लीडर इन प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड एक्सपोर्ट ऑफ एल्यूमिनियम, ये टारगेट बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो वहाँ के जो उस समय के जो श्रीमती इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी जी, उन्होंने सबने इन्वेस्ट करा कि बालको में पूरे वर्ल्ड का वर्ल्ड क्लास बेस्ट प्लांट लगाया जाए फॉर स्मेल्टिंग एल्यूमिनियम। तो कोरबा छत्तीसगढ़ में, पूरे इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है इंडिया में? कोरबा इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण है, क्योंकि वहां पे माइंस हैं और एनटीपीसी का प्लांट भी है और बालको भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन का कंपनी की भी है, ठीक है। तो वहां पे प्लांट लगाया लेकिन वो प्लांट चल ही नहीं रहा था, वर्ल्ड का बेस्ट प्लांट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट का ये कहना था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, भाई हमने सीपीएसयू के लिए इतना पैसा खर्च करा है, आप प्लांट क्यों नहीं ढंग से चला पा रहे हो? तो प्लांट का सीएमडी का कहना ये था, बालको के सीएमडी का, कि सर वो आपने बेस्ट टेक्नोलॉजी दी है, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज अनेबल टू प्रोवाइड मी क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी, 4-5 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी आती है, मैं कैसे करूं उसको? भाई एल्यूमिनियम इज अ हाई इलेक्ट्रिसिटी, 70% कॉस्ट उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, अगर एफिशिएंटली इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन हो नहीं सकता। आप क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस इंपॉर्टेंट समझो, सेम मशीन चाइना में और सेम मशीन इंडिया में अगर कपड़ा बनाती है तो जो चाइना में बनता है वो स्मूथ कपड़ा बनता है, इंडिया में दरदरा बनता है। अब आप सोचोगे कि यार ये सेम कपड़ा है, सेम धागा है, सेम मशीन है और ये इंडिया में क्यों बन रहा है? क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन अगर होगी इलेक्ट्रिसिटी में तो वो क्या होता है, जब मशीन चलती है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब बालको के साथ तो अलग लेवल की प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब स्मेल्टिंग करनी होती है, जब वो हीटअप होता है और आप फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हो तो वो कूल हो जाता है, तो फिर प्रोसेस रीस्टार्ट करने में ही बहुत टाइम लग जाता था, ये चैलेंज आ रहा था। तो बालको ने सजेस्ट करा पहली बार 70s-80s में कि भाई एक काम करिए, आप एमएस मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को छोड़िए, हमें अलाउ कर दीजिए, हम अपना पावर प्लांट लगा लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम कैप्टिव पावर प्लांट वॉज अलाउड फॉर अ इंडस्ट्री वेयर दे डू नॉट रिक्वायर टू टेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दे कैन हैव देयर ओन कैप्टिव पावर प्लांट। सो 270 मेगावाट्स बड़े बड़े पावर प्लांट्स बालको, पहले 270 मेगावाट्स का लगा, फिर 540 मेगावाट्स का लगा, फिर 1200 मेगावाट्स के तीन पावर प्लांट्स बालको ने अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाए जस्ट फॉर स्मेल्टिंग इसको एल्यूमिनियम। अब क्या हुआ कि पूरे इंडिया की इंडस्ट्रीज ने बोला कि भाई आप पावर तो सप्लाई नहीं, 90s में बहुत चैलेंज था पावर का एक्चुअली, तो इंडस्ट्रीज ने बोला कि आप अलाउ करो भी, हम इन्वेस्ट कर लेंगे अपने, तो पूरे इंडिया के लिए कैप्टिव पावर प्लांट पॉलिसी बनाएंगे और अलाउ करा गया। लास्ट रिवाइज हुई थी पॉलिसी वो 2000 ईयर में हुई थी। जब वो कैप्टिव पावर पॉलिसी बनाई गई तो इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट आई कि हम जब इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कैप्टिव पावर प्लांट में, प्लीज गिव अस बेनिफिट्स। सो कुछ बेनिफिट्स दिए गए, लेट अस अंडरस्टैंड वो क्या बेनिफिट्स थे। फर्स्ट बेनिफिट जो दिया गया कि भाई आपको ओपन एक्सेस मिलेगा एज अ राइट टू ओपन एक्सेस। और वो राइट टू ओपन एक्सेस बेनिफिट क्यों दिया गया? सो फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल एरिया में एक आपकी फैक्ट्री यूनिट है, लेकिन अगर आपके पास पावर प्लांट लगाने की जगह नहीं है तो आप 2-4-5-10 किलोमीटर दूर अपना पावर प्लांट लगा रहे हैं। अब पावर प्लांट अगर 5 किलोमीटर दूर लगा रहे हैं, सो अगर ट्रांसमिशन लाइन की फैसिलिटी ट्रांसको या डिस्कॉम प्रोवाइड कर दी जाएगी ओपन एक्सेस, तो इट विल बी इजी, वो कॉस्ट सेविंग हो जाएगी उनकी। सो सबसे पहले दिया गया राइट टू ओपन एक्सेस बेनिफिट। सेकेंड इशू ये आया कि हमें क्रॉस सब्सिडी से एग्जेम्पशन दे दिया जाए, क्योंकि एग्जेम्पशन दे दिया बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, वी आर सेटिंग अ पावर प्लांट, हम आपकी पावर भी नहीं लेंगे, आप
जहां भी देना चाहते हो पावर, किसी और एरिया में पावर देना चाहते हो वो दे सकते हो, बाकी हम अपनी पावर खुद ही जनरेट कर रहे हैं तो आप हमें क्रॉस सब्सिडी से बाहर रखो। सो क्रॉस सब्सिडी का सिंपल फंडा ये था कि ट्रेडिशनली 19 बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी वॉज वेलफेयर कॉमोडिटी, सो 50s, 60s, 70s, 80s और 90s में एक सिस्टम डेवलप हुआ था जहां पे हायर चार्ज ऑफ टैरिफ वॉज चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर्स एंड लोअर टैरिफ वॉज चार्ज फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर एंड वो ऑफसेटिंग हो जाती थी आपस में, दैट इज क्रॉस सब्सिडी। ठीक है, अब क्रॉस सब्सिडी में जब ओपन एक्सेस इंट्रोड्यूस करा गया राइट, तो उन्होंने बोला जो भी ओपन एक्सेस का बेनिफिट लेगा उसको, ओपन एक्सेस का क्या मतलब है, कोई भी कुछ नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस इन प्रेजेंट सिनेरियो इज द एक्सचेंज ऑफ वेयर एक्सचेंज इज देयर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टेक द इलेक्ट्रिसिटी एट द लोएस्ट रेट और व्हाटएवर द एग्रीमेंट्स आर देयर। ओपन एक्सेस है, मैं किसी भी कंपनी से ले सकता हूं, ओपन एक्सेस इज नॉट गिविंग किसी से ले सकता हूं, नॉट मोनोपोली टू टेक एनर्जी फ्रॉम एनी अदर। ठीक है, आप इमेजिन करो ताज एक्सप्रेसवे हाईवे, कोई भी हम में से ताजमहल देखने जा सकता है प्रोवाइडेड व्हेन व्हाइल यूजिंग दैट हाईवे यू पे टॉल ओपन। ठीक है, उसी तरह ट्रांसमिशन लाइंस है, कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट कर सकता है दिल्ली टू लेके आगरा और एनी अदर प्लेस प्रोवाइडेड ही पे टॉल, और टॉल का नाम है ट्रांसमिशन। सो जनरली ट्रांसमिशन लाइन का जो टॉल आप पे करते हैं उसको ट्रांसमिशन चार्जेस बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का जो आप टॉल पे करते हैं उसको व्हीलिंग चार्जेस बोलते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफरेंशिएशन, अदरवाइज इंटरचेंजेबली यूज होता है। जो पर बल्क में चेंज है वो ट्रांसमिशन चार्जेस है, और जो टू ये पर फिर भी इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है, बट जो अब जो सिस्टम बनाया गया पिछले 5-10 साल से वो हमने डिसाइड करा है कि हम उसको ट्रांसमिशन चार्जेस बोलेंगे, इसको व्हीलिंग चार्जेस बोलेंगे, जिससे डिस्टिंक्शन रहे कि किसकी बात कर रहे हैं, डिस्कॉम की बात कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसको समझने का एक और तरीका है, हाईवे से तो हमने समझ लिया कि क्या ओपन एक्सेस होता है, अब जो जितने भी वायर्स हैं, जिस तरह से एक हाईवे एक शेयर्ड असेट है, कोई भी कार जा सकती है, कार इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हाईवे इज द वायर्स, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स कार हैं और वो वायर्स हाईवे हैं, तो इसको एक रास्ता समझने का ये, दूसरा रास्ता समझने का जो है उसको आप इमेजिन करो व्हाट इज क्लोज्ड एक्सेस, उल्टा कर लो रिवर्स। सो फॉर एग्जांपल मैं एयरटेल का फोन यूज करता हूँ और अर्शद जी एयरटेल का फोन यूज करते हैं, और आप और मैडम MTNL का BSNL का फोन यूज करती हो, और वोडाफोन, दोनों भाई हमारे वोडाफोन यूज करते हैं। क्लोज्ड एक्सेस का मतलब ये होता है कि जिनके पास सेम नेटवर्क है वो बात कर सकते हैं, लेकिन बाकी दूसरों से आप बात नहीं कर सकते। सो अर्शद जी और मैं तो बात कर सकते हैं हमारे पास एयरटेल का, पर मैं आपसे या मैडम से या किसी और से बात नहीं कर सकता क्योंकि क्लोज्ड एक्सेस है। सिमिलरली आपके, तो मुझे क्या है, 3 फोन रखने पड़ेंगे अपने पास, 3 फोन होंगे तभी मैं अलग अलग फोन से बंदों से बात करूंगा क्लोज। लेकिन टेलीकॉम में रेवोल्यूशन लाया गया जिसका नाम है इंटरकनेक्शन। सो पूरे नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट कर दिया गया, उस इंटरकनेक्शन में इतना पैसा कम लगता है, पॉइंट आपको पता भी नहीं चलता है कितना पैसा आपका गया है, पॉइंट 101 पैसा। इसको बोलते हैं ओपन एक्सेस इंटरकनेक्शन, जो हम बोलते हैं टेलीकॉम में उसी चीज को हम बोलते हैं ओपन एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, जहां पे कोई भी वायर्स, नाउ नो वायर्स आर किसी की मोनोपोली नहीं है, वायर्स आर शेयर्ड असेट, रोड्स आर शेयर्ड असेट, सिमिलरली वायर्स आर शेयर्ड असेट, एवरीबॉडी कैन यूज। तो ओपन एक्सेस का बहुत मोटे सेंस में मतलब ये है, एकदम क्लियरिटी है। सर इट मींस कि दैट ओपन एक्सेस कैन बी यूज्ड इन बोथ वे, वेदर आई एम जनरेटर, आई एम सप्लाइंग माय इलेक्ट्रिसिटी टू दैट वायर, और आई एम एक्सेस टेकिंग फ्रॉम दैट वायर माय फॉर माय पर्पस। ट्रांसमिशन को, ट्रांसमिशन नेटवर्क को या ट्रांसमिशन लाइसेंसी को कोई मतलब नहीं कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको मतलब है कि मेरे को भैया व्हीलिंग चार्जेस और ट्रांसमिशन चार्जेस दे दो, मैं आपकी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करके दे दूंगा आपको, सिंपल ट्रक है वो, कैरेज, कि भाई दिल्ली से बॉम्बे सामान भेजना है तो आपने जिस ट्रांसपोर्टर है वो, ठीक है। और जब कोई बोलता है मेरे को शेयर मार्केट में पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट शेयर कौन से हैं, तो मैं बोलता हूँ ट्रांसमिशन के शेयर बेस्ट, उनको कोई मतलब नहीं है किससे, उनको तो ट्रांसपोर्ट करना है,
भाई जनरेटिंग कंपनी में इश्यूज होते हैं, डिस्कॉम में भी इश्यूज होते हैं, कहीं और इश्यूज होते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन में नहीं इशू आने चाहिए अभी, क्योंकि वो पीएससी हुआ है, वो अलग इश्यूज है, वो अलग चीज है बिल्कुल। ये पीजीसीआईएल वगैरह आप देखना हमेशा स्टेबल शेयर्स रहेंगे मैक्सिमम, अनलेस एंड अंटिल गवर्नमेंट ही कोई गलती कर दे कोई बड़ी। ऑलराइट, सो लेट अस कम बैक टू बाल्को, क्योंकि वो स्टोरी लाइन थोड़ी डिफरेंट बैक स्टोरी हो गई थी। अब तो बाल्को की जगह जैसे कैप्टिव पावर प्लांट लगा तो सबने बेनिफिट मांगना शुरू कर दिया, तो लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर गिवन। फर्स्ट बेनिफिट जो दिया गया वो ये था कि आपको ट्रांसमिशन लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। अगर अगर आपका कैप्टिव पावर प्लांट है और वो कैप्टिव पावर प्लांट से कैप्टिव यूजर तक जा रहा है मटेरियल, ट्रांसमिशन नहीं देना है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। सो अगर आपका कैप्टिव पावर प्लांट है और आपकी फैक्ट्री और आपके फैक्ट्री की कॉलोनी में यू आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, सो नो डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई लाइसेंस रिक्वायर्ड, एग्जेम्पशन। ठीक है, तीसरा बेनिफिट है ओपन एक्सेस। सो अगर आपका पावर प्लांट, आपकी कंपनी दिल्ली में है लेकिन आपका जो सोलर पावर प्लांट है वो राजस्थान में, नो वरीज, पूरे इंडिया में कहीं भी हो आपको ओपन एक्सेस का राइट है। इस राइट का मतलब ये नहीं कि आपको चार्जेस नहीं देने, यू हैव टू पे चार्जेस बट यू हैव राइट टू ओपन एक्सेस, आपको एक्सेस मिल जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ बेनिफिट है आपको क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज किसी भी डिस्कॉम को नहीं पे करना है। ठीक है, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज क्या होता है वो बहुत ब्रीफली हमने समझ लिया है और डिटेल में अगर जरूरत होगी तो बात कर लेंगे अपन। नेक्स्ट बेनिफिट है एडिशनल सरचार्ज आपको नहीं देना है। अब एडिशनल सरचार्ज क्या होता है, एडिशनल सरचार्ज का ये मतलब है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट टू बिकम अ ग्रीन मेट्रो, और ग्रीन मेट्रो में उन्होंने रूम्स रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट से सोलर पावर इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। बीएसईएस और एनडीपीएल या टाटा पावर का ये कहना है कि सर ये तो चेरी पिकिंग हो गई और हमारी स्ट्रैंडेड कैपेसिटी हो गई। स्ट्रैंडेड कैपेसिटी क्यों हो गई, क्योंकि एनटीपीसी और एसजेवीएन से हमने 25-25 साल के लॉन्ग टर्म पीपीएस करे हुए हैं। अब वो 90 मेगावाट पावर आपने सीधे रूम से लेना शुरू कर दिए, व्हाट अबाउट आवर पीपीएस विद एसजेवीएन और एनटीपीसी, हमारे पास तो कस्टमर एकदम से 90 मेगावाट से कस्टमर खत्म हो गया और हमने 25 साल का पीपीए करा है। स्ट्रैंडेड कैपेसिटी, उस स्ट्रैंडेड कैपेसिटी को मिटिगेट करने के लिए प्रोविजन लाया गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में विच इज कॉल्ड एडिशनल सरचार्ज। सो टू मिटिगेट दिस स्ट्रैंडेड कैपेसिटी, और कितना अगर कोई एडिशनल कोई अगर और लोड है तो रेगुलेटरी कमीशन देख लेती है, अदरवाइज उसके हिसाब से एक एडिशनल सरचार्ज डिटरमाइन कर देती है। कैप्टिव पावर प्लांट के लिए एडिशनल सरचार्ज इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। सो फर्स्ट एग्जेम्पशन आपका हो गया कैप्टिव पावर प्लांट के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंस नहीं चाहिए, सेकेंड एग्जेम्पशन हो गया डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस नहीं चाहिए, थर्ड एग्जेम्पशन हो गया एडिशनल सरचार्ज नहीं एप्लीकेबल है, फोर्थ एग्जेम्पशन हो गया कैप्टिव क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज नहीं एप्लीकेबल है, इवन ट्रांसमिशन क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, ऑल राइट सर, लेकिन तभी एप्लीकेबल होगा जब वो अपने लिए यूज करेगा, अपने लिए अपने कॉलोनी अपनी कॉलोनी के लिए और अपने लिए अपने लिए नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस, राइट एब्सोल्युटली, कमर्शियल के लिए यूज करेगा तो हो जाएगा ना। खाली और अपने सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारे को लाइसेंस की जरूरत नहीं है, उसके शायद डीआरसी ने खारिज कर दिया, वो एप्टेल में आ गया मैटर, वो कि नहीं आपको लाइसेंस की जरूरत है, उसमें इश्यू चल रहा है बहुत बड़ा। करेक्ट, तो सबने जैसा जैसा सर कह रहे हैं ना, सब ने अपने पावर प्लांट को कैप्टिव पावर प्लांट डिक्लेयर कर दिया, सब ने एप्लीकेशन लगा दी कि मेरा कैप्टिव पावर प्लांट है। अब ये नया चैलेंज आ गया गवर्नमेंट के पास कि भाई जिस जो अगर 100 मेगावाट का प्लांट है, 1 मेगावाट भी यूज कर रहा है खुद, उसने बोला मैं कैप्टिव पावर प्लांट हूं। तो 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी रूल्स रिलीज करे और उसमें डिफाइन करा कैप्टिव पावर प्लांट क्या है। अब वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको वो डेफिनेशन पता है कैप्टिव पावर प्लांट की तो आप कह सकते हो कि ये बेनिफिट आपको अवेलेबल है, अगर वो डेफिनेशन में फॉल नहीं करता तो वो आपको अवेलेबल नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आज ये समझ लेते हैं हम लोग कि क्या डिफाइन कैसे कर रहे हैं या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैप्टिव पावर प्लांट, जैसे अब डीईआरसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहला टेस्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में जो डेफिनेशन का दिया है वो है टेस्ट ऑफ ओनरशिप। 50%
26% 75% में डिस्कशन हुआ और डिसाइड करा गया कि टेस्ट ऑफ ओनरशिप तब कंप्लीट होगी अगर 26% से ज्यादा ओनरशिप जो कैप्टिव यूजर की कैप्टिव पावर प्लांट में है तो वो कैप्टिव पावर प्लांट है। टेस्ट ऑफ ओनरशिप, टेस्ट ऑफ ओनरशिप का मतलब है 26% ओनरशिप। सो लेट अस अज्यूम शेयर्स है कंपनी का, तो 100 शेयर्स है तो 26 शेयर यूजर के पास होने चाहिए जो कैप्टिव पावर ले रहे हैं। अगर 25 शेयर्स है तो वो कैप्टिव है कि नहीं है? टेस्ट फेल। आप उसको तुरंत बोल दो कि ये आपका नहीं है कैप्टिव पावर प्लांट, सब एप्लीकेबल है आप पे। 3 साल बाद अगर उसने अपने 10-15 शेयर बेच के फिर उसको 25 से कम हो गया, 26 से कम हो गया, तब आप बोलोगे देना शुरू कर दो एडिशनल सरचार्ज और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, बिकॉज नाउ यू आर नॉट अ कैप्टिव पावर प्लांट। टेस्ट, लेकिन एक टेस्ट से काम नहीं चलेगा, 2 टेस्ट। दूसरा टेस्ट है टेस्ट ऑफ कंजम्पशन। टेस्ट ऑफ ओनरशिप के बाद आप दूसरी चीज उससे पूछोगे, जैसे आपको किसी ने बोला कि अर्शद जी मेरा कैप्टिव पास प्लांट है, तो बोला कि अच्छा कितना ओनरशिप है, जैसे उसने बोला 28%, बोला ठीक है ये तो टेस्ट पास है। तो दूसरा टेस्ट जो उनको पूछ रहा है कि सर कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो वहां से जनरेट होती है वो आप यूज करते हो, इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंजम्पशन। अगर वो बोलता है 49% तो बोलो नो इट इज नॉट अ कैप्टिव पास प्लांट। अगर वो बोलता है 50+ दूसरा टेस्ट भी पास। प्रिलिमिनरी और मेन होते हैं ना एग्जाम उसमें यूपीएससी में, तो आपको दोनों पास करने रहते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट क्लियर। तो कैप्टिव पावर प्लांट का ये है कि भाई प्रिलिमिनरी आपने पास कर लिया पहले टेस्ट ऑफ ओनरशिप 26%+, गुड फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड टेस्ट आपने दे दिया दोनों पास, अब यू आर कैप्टिव पावर प्लांट, आपको एडिशनल सरचार्ज और ये सारे मिल जाएंगे। लेकिन अभी इंटरव्यू भी तो बाकी है यूपीएससी में, वो भी तो करेगा। ठीक है, नॉर्मल कैप्टिव पावर प्लांट में इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है, तीसरे टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अब 2-3 लोग इंडस्ट्रीज डिसाइड कर दिए कि हम अपना कैप्टिव पावर प्लांट खुद मिलके लगाएंगे, 3-4 लोग मिलके लगाएंगे, तब क्या होगा, क्या अलाउड है ये? जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री की, ए इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट 2 मेगावाट है, 10 मेगावाट है। बी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी 10 मेगावाट है, सी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी 10 मेगावाट है, गारमेंट फैक्ट्रीज है। उन गारमेंट फैक्ट्रीज को, जितने भी एग्जांपल दे रहा हूं रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, उन तीनों गारमेंट फैक्ट्रीज को 30 मेगावाट पावर चाहिए अपनी फैक्ट्रीज के लिए, पर वो उनका कहना है कि भाई वी आर एक्सपर्ट इन गारमेंट, हम तो फैशन में फोकस करेंगे, हम हमें भैया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थोड़ी बनना है। एक काम करते हैं, एक दूसरी कंपनी या एंटिटी बना करके और हम किसी इन्वेस्टर को भी बुला करके और एक कैप्टिव पावर प्लांट लगा देते हैं, हम उससे बिजली ले लेंगे, वो अपना एक्सपर्ट चलाता रहेगा, भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो चलाएगा, हम क्यों चलाएं उसमें। ठीक है, तो क्या ये अलाउड है? तो आंसर इज यस, इट इज अलाउड, बट उसका नाम चेंज हो जाता है और उसका नाम हो जाता है ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट। सो फर्स्ट में हमने समझ लिया, उसमें टेस्ट यही रहेंगे, हाँ उसमें इंटरव्यू भी है। इस जो ये बचे पावर होते हैं 51% अगर वो अपने लिए यूज करते हैं तो बचे 49% वो किसके लिए यूज करेगा? That's a good question. So, बाकी पावर को कहीं भी यूज कर सकता है, कहीं भी पावर एक्सचेंज में सेल कर सकता है, पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीएस भी कर सकता है, जो उसको मन है, बायलैटरल ट्राइलैटरल और मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं भी एंटर कर सकता है। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दीस कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो। सो बाकी रिमेनिंग कहीं भी यूज कर सकता है, सेल्फ कंजम्पशन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 100% भी कर रहा है कोई, 100% इक्विटी 100% कंजम्पशन कर रहा है तब भी टेस्ट में पास है वो बंदा, ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन। सब मिलेगा, सब मिलेगा, उस पर लगेगी, कैप्टिव पावर पे नहीं लगेगी, बाकी पे लगेगी। अब जैसे ही ग्रुप कैप्टिव हो गया, 3 लोगों ने एंटिटीज ने मिलके पावर प्लांट बना दिया, तो तीसरा टेस्ट भी अप्लाई होता है। फर्स्ट टेस्ट, टेस्ट ऑफ ओनरशिप तो लगेगा कि जैसे 10 मेगावाट्स 10 मेगावाट्स 10 मेगावाट्स 30 मेगावाट्स, लेट अस अज्यूम 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया, 100 मेगावाट का पावर प्लांट है, 10 10 10 30 मेगावाट, ये 3 फैक्ट्रीज ले रही है उस 100 मेगावाट के पावर प्लांट में, 30 मेगावाट तो उन्होंने ले लिया। ठीक है, अब जो बाकी इसको ये है कि 26% इक्विटी अगर उन्होंने ले ली, ठीक है, तो वो टेस्ट, हाँ तीनों ने मिलाकर,
तो वो फर्स्ट टेस्ट पास हो गया। सेकेंड टेस्ट अगर 50% प्लस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 50 मेगावाट प्लस इलेक्ट्रिसिटी जो भी है 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो ले ली, तब पास हो गए तीनों ने मिलके। लेकिन यहां पे ग्रुप कैप्टिव के लिए थर्ड टेस्ट है, और वो थर्ड टेस्ट का जो नाम है वो है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट्स प्रोपोर्शनल। 26% तीनों को मिलके लेनी है प्लस। हाँ करेक्ट करेक्ट, ऐसा नहीं 26 26 26। नहीं नहीं नहीं, तीनों को मिलके लेनी है, तीनों को मिलके लेनी है। पर एक और टेस्ट है ना, थर्ड टेस्ट है, थर्ड टेस्ट है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये बोलता है कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उतने प्रोपोर्शन में आपको इलेक्ट्रिसिटी तो लेनी है। जैसे लेट अस अज्यूम 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, सबने 20 20 20 रुपीज इन्वेस्ट करें। अब 20 20 20 रुपीज इन्वेस्ट करें तो 20 20 20 मेगावाट प्रोपोर्शनेट हो गए, तो 60 मेगावाट 60% उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ले ली, 40% बची, कोई बात नहीं। 50% के टेस्ट आपने क्लियर कर दिया, ओनरशिप का भी टेस्ट क्लियर कर दिया, अब प्रोपोर्शनेट का भी टेस्ट आपने क्लियर कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने 20% इक्विटी ली है और वो 0 पावर ले रहा है या 1 मेगावाट पावर ले रहा है। इट हैज टू बी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल में एक चैलेंज आता है, चैलेंज ये आता है कभी कम कभी ज्यादा अगर हो गई थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होगा, क्या वो इट विल नॉट बी अ कैप्टिव पावर प्लांट। इसमें आंसर ये है 10% का मार्जिन अलाउड है, ±10%। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई मैं तो बगासे से बनाता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, 6 महीने मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, 6 महीने नहीं होती है जनरेट, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड एनुअल बेसिस। एक साल आपने हो सकता है 1 महीने बहुत करी 1 महीने 0 करी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साल आप देखोगे कितनी है और कैलकुलेट करोगे सारे के सारे। सो नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड क्लियरली कैप्टिव पावर प्लांट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है कैप्टिव पावर प्लांट का। वी ऑल ऑल्सो अंडरस्टैंड ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट का क्या मतलब है। सो ये हमारे पास एक जनरेशन में क्लियर हो गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो वैसे ही बचा रहा उड़ीसा का। मैडम ने क्वेश्चन जनरेशन का पूछा तो जनरेशन का लॉ हमने पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब 1993 में जयपुर कॉन्फ्रेंस हुई और उड़ीसा ने बोला कि हमें पावर रिफॉर्म्स करने। 1994 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपना ड्राफ्ट भी कर लिया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्या आ गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का क्या होगा। 1948 का एक्ट और 1910 का एक्ट से इनकंसिस्टेंट था उड़ीसा का स्टेट रिफॉर्म्स एक्ट, क्योंकि उड़ीसा स्टेट रिफॉर्म्स एक्ट बोलता था कि टैरिफ विल बी डिटरमाइंड बाय उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और 1910 का जो एक्ट अमेंड करा था 1991 में, और 1948 का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट जो 1991 में अमेंड करा था वो बोलता था टैरिफ विल बी डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट। देयर इज इनकंसिस्टेंसी। अगर इनकंसिस्टेंसी है तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई करेगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ऐसे ही 5-10 चीजें थी जो रेगुलेटरी कमीशन से रिलेटेड थी, टैरिफ डिटरमिनेशन से रिलेटेड थी, अनबंडलिंग से रिलेटेड थी, क्योंकि अनबंडलिंग के बारे में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट कुछ नहीं बोलता था, पावर रिफॉर्म्स के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकता कि जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को अलग करना था। तो वो उस अनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक रास्ता निकाला गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक रास्ता है, और वो सेक्शन और वो आर्टिकल आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा वो आर्टिकल है जो ये प्रोवाइड करता है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगर किसी भी स्टेट एक्ट को साइन कर दिया तो वो स्टेट एक्ट सेंट्रल एक्ट को ओवरराइड करेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये प्रोविजन है। फर्स्ट प्रोविजन ये है कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई आइटम है उस आइटम में स्टेट एक्ट और सेंट्रल एक्ट में नंबर वन फर्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सेकेंड स्टेज पे अगर इनकंसिस्टेंसी है तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, थर्ड स्टेज में डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी बोलता है कि उतना पोर्शन जो एक्ट का है स्टेट एक्ट का उसको आप काट दोगे। अगर किसी आपके ऑर्गन में अगर कैंसर तो आप थोड़ा सा काट देते हो, बस बाकी बॉडी फुल चलती है। सिमिलरली स्टेट एक्ट में उतना पोर्शन आप सिवियर कर दोगे, काट दोगे, बाकी पूरा स्टेट एक्ट चलेगा, कंटिन्यूअसली चलेगा। अब उड़ीसा को रिफॉर्म करना था, सेंट्रल गवर्नमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ थी कि भाई हम तो कर नहीं पा रहे, आप ही कर लो कम से कम अपने स्टेट में। वर्ल्ड बैंक भी ये चाहता है, वर्ल्ड बैंक पैसे देने को तैयार है।
वर्ल्ड बैंक की कंडीशन है कि मैं पैसे दूंगा तब जब आप रिफॉर्म करोगे. उड़ीसा ने बोला मैं रिफॉर्म कर रहा हूं, आप पैसे दे दो मुझे. वर्ल्ड बैंक ने कहा हम भी तैयार, वर्ल्ड बैंक भी तैयार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तैयार. उसके लिए जो रास्ता निकाला गया उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन ये कहता है इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइंस द स्टेट एक्ट देन दैट स्टेट एक्ट विल ओवरराइड द सेंट्रल एक्ट, एक्सेप्शन. सो इसलिए 1995 में जब उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 1995 बना, पर वो एनफोर्स 1996 में हुआ. क्यों 1996 में हुआ? क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया था सिग्नेचर्स के लिए. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसमें उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट में साइन करे. नाउ इट बिकेम अ एक्ट एंड इट वॉज द स्टार्ट ऑफ पावर रिफॉर्म्स इन इंडिया. और उस पावर रिफॉर्म्स तो जनरली क्या है, पूरे इंडिया में जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं जनरली सेंट्रल ड्रिवन होते हैं. मैक्सिमम ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है कुछ और फिर धीरे धीरे स्टेट्स अपना इंप्लीमेंट करते हैं. पावर रिफॉर्म्स आर स्टेट ड्रिवन. सबसे पहले स्टेट्स ने पावर रिफॉर्म करा, फिर सेंट्रल ने दिल्ली और उड़ीसा और बाकी स्टेट से सीख के अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया. रिवर्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ही इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, पावर सेक्टर. अब इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट जैसे ही उड़ीसा में पास हुआ तो बाकी स्टेट्स ने बोला कि हम अपने पावर रिफॉर्म से वर्ल्ड बैंक का पैसा क्यों रोके. भाई मध्य प्रदेश का कहना यह था कि ये भाई हमारा नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है, पैसे चलने चाहिए कंटिन्यूअसली ट्रांसमिशन में, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पैसे आने वो आते रहे. तो 8 मोर स्टेट्स एनएक्टेड इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स. उन 8 स्टेट मेरे एक्ट का है. जब आप शेड्यूल देखोगे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, शेड्यूल में एक्ट मेंशन है 9 एक्ट्स है. 185 उन 9 स्टेट्स ने अपने अपने एक्ट्स बनाए. कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविजन था जिसमें ये? हाँ ये आप बताओ ना, मैंने तो आपको होमवर्क दिया है, ढूंढ के बताओ मुझे. ठीक है होमवर्क क्या? अभी होमवर्क अभी चलेगा ना मेरा, तो अभी एक और क्लास है ना. ये 9 एक्ट्स हैं शेड्यूल में. उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 1995, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 1997. सारे एक्ट किसने साइन किए हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने. तो फिर आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 1998, यूपी इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 99, कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 99, राजस्थान 99, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 2000, मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री रीऑर्गेनाइजेशन रीरेगुलेशन एक्ट 2003. करेक्ट. आप समझ गए, सीक्रेट समझ में आ गया आपको. अब ये रिफॉर्म्स एक्ट, 9 रिफॉर्म्स एक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन कर दिए. अब ये जब रिफॉर्म्स पूरे इंडिया में चल रहा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों पीछे रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार एक एक्सेप्शन बनाया और बोला कि काम करते हैं यार, ये आईएएस ऑफिसर्स बहुत बन गए हैं पावर सेक्रेटरी. अब एक नॉन आईएएस ऑफिसर जो पावर सेक्टर में जिसने बंद काम करा उसको सेक्रेटरी बनाते हैं. तो आरवी शाही वॉज जनरल मैनेजर ऑफ एनटीपीसी अर्लियर, देन ही बिकेम बीएससीएस का फिर चेयरपर्सन, बॉम्बे वाला बीएससीएस. ठीक है, रिलायंस ने बीएससीएस बाद में लिया था, पहले वो अलग था, फिर बाद में बीएससीएस रिलायंस में आया, फिर अब अदानी के पास भी वहाँ चला गया, वो अलग चीज़ है. वो उसके चेयरमैन एमडी थे. ही बिकेम सेक्रेटरी फॉर 5 ईयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम अ नॉन आईएएस बिकेम सेक्रेटरी ऑफ द पावर सेक्टर एंड पावर रिफॉर्म्स फुल स्विंग में चालू होने लगे. 2000 में ड्राफ्ट आया, 2001, 2002, 2003 में डिस्कशन हो गए, 2003 में एक्ट पास हो गया. जब अर्शद जी और मैं हम लोग एडवाइजर बन गए, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे थे और चीज़ें चल रही थी. ऑल राइट, अब 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में पहली बार जो एनरॉन और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करी थी, उन्होंने बोला कि अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हो जनरेशन में और आपके पास जनरेशन कैपेबिलिटी नहीं तो आप उसको डी लाइसेंस कर दो. सो 2003 के एक्ट में, अभी तक 2000 की पावर पॉलिसी के हिसाब से सब जगह अप्रूवल लाइसेंस चाहिए था, और किससे लाइसेंस चाहिए था? स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए था. ठीक है, कैप्टिव पावर के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए था. जो 2000 कैप्टिव पावर पॉलिसी थी उसमें लाइसेंस खत्म कर दिया था, लेकिन अब 2003 के एक्ट में क्लियर कर दिया गया कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ डी लाइसेंस एक्टिविटी. सो मैडम से अगर कोई भी सवाल कभी भी पूछे कि मुझे एक
मेगावाट का, 10 मेगावाट का, 20 मेगावाट का, 1000 मेगावाट का, 30000 मेगावाट का पावर प्लांट भी लगाना है, आप उसको फ्रीली बोल दो सर इट इज अ डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी, प्लीज गो अहेड, कितना बड़ा पावर प्लांट आप सोच सकते हो आप लगा लो, आपकी इशू है। इशू ये है कि लाइसेंस तो आपने फ्री कर दिया, आपने बता दिया, लेकिन जो कंप्लायंसेस हैं वो क्या करने हैं हमें? सो आंसर, कंप्लायंसेस करने हैं भाई। आप कोई भी इंडस्ट्री लगाते हो, फैक्ट्री लगाते हो, तो आपको लेबर लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, आपको लैंड लेना पड़ेगा, लैंड की रजिस्ट्री भी करवानी पड़ेगी, आपको खरीदने में जो भी स्टैम्प पेपर है स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, आपको अगर एनवायरमेंट को कोई डैमेज हो गया तो एनवायरमेंट क्लियरेंस भी लेना पड़ेगा। तो जो कंप्लायंस, आपको लाइसेंस नहीं लेना, कोई भी किसी अथॉरिटी से लाइसेंस नहीं लेना, जनरेशन कर दो ठीक है, लेकिन बाकी जो कंप्लायंसेज हैं वो तो आपको सब करने हैं। सो फॉर एग्जांपल आप सोलर रूफटॉप पे लगा रहे हो, तो रूफटॉप में आपका घर है, आपने पहले से ले रखा है, आपने रजिस्ट्री करा रखी है अपने, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। या आप ही का खेत है, आप उसी के अंदर अपना लगा रहे हो पंप या छोटा सा, तो लेकिन अगर मान लीजिए आपने थोड़ा मैसिव आप प्लांट लगा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी, तो ड्यू डिलीजेंस कराना पड़ेगा, आपको स्टैम्प पेपर देने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको पानी चाहिए तो वाटर कनेक्शन लेना पड़ेगा, ये सारे कंप्लायंसेस इंडस्ट्री के करने हैं आपको। सबसे मैक्सिमम जो कंप्लायंसेस होते हैं पावर सेक्टर में वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में, और वो होते हैं 20 कंप्लायंसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 8-12 कंप्लायंसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, 30 के आसपास कंप्लायंसेस होते हैं फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, ठीक है। उसकी लिस्ट है पूरी मेरी किताब में भी है, मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, अभी आपके कोर्स में नहीं है तो आप सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जस्ट अंडरस्टैंडिंग। बाकी कंप्लायंसेस कम होते जाते हैं, सोलर वोलर में बहुत ही कम कंप्लायंसेस है, मतलब जस्ट लैंड एक्विजिशन इज द बिगेस्ट कंप्लायंस फॉर सोलर। सबसे बड़ा चैलेंज अगर सोलर सेक्टर में है, अगर कोई बोले क्या चैलेंज है सर मेरे को, बोला सबसे बड़ा चैलेंज है लैंड एक्विजिशन, लीगल चैलेंज सबसे बड़ा है, क्योंकि जो वैल्यू है सोलर प्लांट की, अगर फंडिंग करानी है तो लैंड के पेपर्स चाहिए आपको, आपको अगर ट्रांजैक्शन, आपको बैंकेबल बनाना है, तीन ऑब्जेक्टिव आप सोचिए, आप बिजनेसमैन हो या कोई इन्वेस्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके। वन इज माई प्रोजेक्ट शुड बी बैंकेबल, बैंकेबल का मतलब यह है किसी से भी मैं पैसे मांगू वो पैसे देने को तैयार हो, ठीक है। सेकेंड टारगेट है माई प्रोजेक्ट शुड बी रिस्क फ्री, लीगली कंप्लायंस सब होने चाहिए मेरे कंप्लीट, कि कोई कभी मुझे अरेस्ट ना करे या कोई मेरे अगेंस्ट कोई इशू ना आए एज ए डायरेक्टर और ओनर, और रिस्क फ्री। थर्ड है माई प्रोजेक्ट शुड बी ट्रांजेक्शन रेडी, ट्रांजेक्शन रेडी है कि मतलब आप फ्यूचर में कभी भी आप सोलर प्रोजेक्ट को आप बेच रहे हो तो वो बिक जाए, ट्रांजेक्शन रेडी का मतलब ये होता है मैं एग्जिट करना चाहता हूं मार्केट तो एग्जिट कर सकूं, तीन ऑब्जेक्टिव सिर्फ। और इस तीन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कौन करता है, आप लोग लॉयर्स। बैंकेबल कौन बनाएगा, सोलर प्लांट को लॉयर्स बनाएंगे, क्योंकि ड्यू डिलीजेंस जब जमीन खरीदते हैं तो लीगल ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट लॉयर्स बनाएंगे। ट्रांजेक्शन रेडी कौन बनाएगा, रिस्क फ्री कौन बनाएगा, लॉयर्स बनाएंगे, क्योंकि आप कंप्लायंस की चेकलिस्ट बना लोगे, बोला ये हो गया ये हो गया ये हो गया, सर ये नहीं बचाया, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, सर टैरिफ आपने तो अडॉप्ट ही नहीं कराया, आपने इंटरनाइन नहीं करवाया, जो भी है। थर्ड, ट्रांजेक्शन रेडी कौन बनाएगा, मर्जर एंड एक्विजिशन कौन करेगा, लॉयर्स करेंगे। जब तक ये प्राइवेट एंटिटीज थी तब लॉयर्स का काम नहीं था, तब आप आराम से मतलब, नाउ मैक्सिमम काम लॉयर्स का है पावर कंपनी में, क्योंकि जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, सोलर प्रोजेक्ट में वो पैनल लगाने उसमें मतलब करना क्या है, आप ये सोचो ना टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी में कोई दिमाग बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग आपको कंप्लायंस, यू हैव टू मेक इट बैंकेबल, रिस्क फ्री एंड ट्रांजेक्शन रेडी, ऑल थ्री वर्क्स आर लॉयर्स वर्क, ठीक है। चलिए अब जनरेशन तो रिस्क फ्री मतलब लाइसेंस फ्री है, गुड फॉर ऑल ऑफ अस, तो जनरेशन हमें समझ में आ गया, हमें कैप्टिव पावर भी समझ में आ गया, जनरेशन भी समझ में आ गया। लेकिन सर आपने एक चीज़ और बताई थी कि ट्रांसमिशन में, भाई शेयर मार्केट में लगाना तो ट्रांसमिशन में लगाओगे। अब नाउ माई फ्रेंड सेज कि नहीं, आई एम अ रिच पर्सन एंड क्या नाम है आपका, मेघा जी, नेहा, नेहा, अच्छा। So, नेहा जी का जो इन्वेस्टर है वो बोलता है, नेहा जी वो सोलर प्लांट में तो आपने इन्वेस्ट अच्छा करवा दिया, लेकिन मैं तो अमीर आदमी हूं भाई, मैं तो ट्रांसमिशन नहीं लगाना चाहता हूं, आई वांट टू अर्न मोर मनी, तो क्या कंप्लायंस चाहिए, लाइसेंस चाहिए। तो नेहा जी बोलेंगे इसमें तो लाइसेंस चाहिए भाई, यू हैव टू सीक लाइसेंस, इट इज अ रेगुलेटेड एंटिटी,
पांच में से जनरेशन इज अ डीलाइसेंस्ड एक्टिविटी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर लाइसेंस्ड एक्टिविटी. यही क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का, व्हिच इज लाइसेंस्ड एक्टिविटी, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग. तो आप बोलोगे जनरेशन, वो कहीं से भी घुमा के पूछ ले, आप आंसर कर लो कुछ. अगर वो स्टोरी लाइन या कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन की ज्यादा वैल्यू नहीं होती, फिर वो चारों तरफ से आपको समझ में आता है क्वेश्चन. ठीक है, आप उनको ट्रांसमिशन लाइन लगाना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए उस इन्वेस्टर से कि सर आप ट्रांसमिशन लाइन कहां से कहां लगाना चाहते हो ये बताओ मुझे, तब मैं बताऊंगा कि आपको लाइसेंस कहां से लेना है. अब वो बोलता है कि मुझे ट्रांसमिशन लाइन चाहिए आगरा से लखनऊ तक. तो आपने देख लिया कि लखनऊ और आगरा दोनों यूपी स्टेट में है, इसका मतलब यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से आपको लाइसेंस चाहिए. सिमिलरली उसने बोला भोपाल से जबलपुर, सो देन आपने देख लिया कि भोपाल एंड जबलपुर सेम स्टेट, एमपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर, जोधपुर जयपुर कहाँ जाना पड़ेगा, सिंपल बैंगलोर और मैसूर, कर्नाटक, नागपुर, बॉम्बे, महाराष्ट्र. लेकिन अगर उसने बोला मेरे को जयपुर से लखनऊ ट्रांसमिशन लाइन डालनी है, फिर इंटरस्टेट हो गई, फिर कहाँ जाना है, सिंपल रूल है, इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है, टेल हिम टू गो टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. इंटर स्टेट है, टेल हिम टू गो टू सीईआरसी. जो आपको लाइसेंस देगा वही आपका टैरिफ डिटरमाइन करेगा, वही आपके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करेगा, वही आपके कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्समेंट करेगा. सो कोई बाद में बोलता है कि सर अब मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट में इशू आ गया, तो बोले लाइसेंस किसने दिया था, सीईआरसी, गो टू सीईआरसी. वो बोलेगा मुझे टैरिफ में इशू, लाइसेंस किसने दिया था, एससीआरसी, गो टू एससीआरसी. मतलब एकदम फ्लो है बिल्कुल, वो वही सेम सेम चीज चलनी है. तो सेकेंड इशू है ट्रांसमिशन का. अब ताला है भूटान के साथ हमारा एग्रीमेंट था कि इंडिया विल गिव 75% एंड भूटान गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट 25% फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट. सो ये 1982 से फर्स्ट डिस्कशन हुआ था, फिर 1994 में डीपीआर बन गई इसकी, क्लियर हो गया. 2000 मेरे ख्याल से 1998 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया ताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, एंड 2002 तक ये क्लियर हो गया था कि अब ये एनर्जाइज होने वाला है करीब 2 साल में. चैलेंज ये था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया के जो थे उन्होंने बोला हमारे पास सरप्लस पावर है, पावर ही नहीं चाहिए. वेस्ट बंगाल ने भी बोला कि हमें भी पावर नहीं चाहिए, हमें ग्रीन, मतलब हमारे पास सफिशियंट पावर है, जो भी रीजन, मतलब दे डिड नॉट वॉन्ट पावर. दिल्ली नॉर्थ एरिया और जो है ना, इन्होंने बोला कि वी वॉन्ट पावर. अब ये इशू था, लेकिन फाइनेंशियल इशू तो चल ही रहे थे. गवर्नमेंट का ये कहना था कि भाई नाउ वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट मच इन पावर सेक्टर, हमने वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हम बना ही रहे हैं और हम चाहते हैं प्राइवेट पार्टिसिपेशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो ट्रांसमिशन में. लेकिन ट्रांसमिशन में एक भी प्राइवेट ट्रांसमिशन लाइन नहीं थी इंडिया में 2001-2 में. एंड दिस डिस्कशन केम बिफोर द मिनिस्ट्रीज एंड अथॉरिटीज. तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट. तो फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिसाइड करी गई फॉर लेइंग डाउन ट्रांसमिशन लाइन फॉर इवैक्यूएटिंग पावर फ्रॉम ताला टू एनसीआर एरिया, दादरी के पास है कोई जगह वहां तक. ये महारानी बाग में नहीं, ताला से डायरेक्ट महारानी बाग आया क्या? नहीं, ताला तो भूटान में. हाँ, ताला. तो यहाँ कहाँ तक आई है? महारानी बाग थ्रू दादरी. हाँ, उसका नाम है कुछ दादरी, को नाम एक स्पेसिफिक नाम याद नहीं आ रहा, पर वो दादरी के आसपास ही है कोई जगह, चरखी चरखी दादरी कुछ और नाम. तो चलो मैं याद आएगा तो बताता हूँ. ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिसाइड करेंगे और फिर इनवाइट करेंगे बिड्स. सो टाटा पावर केम अप कि आई विल इन्वेस्ट मनी, बट उन्होंने बोला कि देखो भाई लेकिन मुझे ओनरशिप चाहिए, आई विल नॉट बिकम अ जूनियर पार्टनर, मैं गवर्नमेंट ऑफ शुड बिकम अ जूनियर पार्टनर. तो इट विल डिसाइडेड कि 49% शेयर पीजीसीआईएल के होंगे और 51% शेयर जो है टाटा के होंगे. सो एक जॉइंट वेंचर बनाया गया, एक नई कंपनी बनाई गई जिसमें 51 टाटा के मेजॉरिटी ओनरशिप, 49% इसकी,
और 1000 प्लस किलोमीटर की अराउंड 1100 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन डिसाइड करी गई। एंड उसमें उनको ना चैलेंज क्या था, वो सेम टाइम पे चल रहा है 2001 में इलेक्ट्रिसिटी का ड्राफ्ट एक्ट आ गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात चल रही है कि ट्रांसमिशन में चाहिए हमें पब्लिक पार्टनर प्राइवेट पार्टनरशिप, और इनका तो टाटा पावर को जैसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जब फाइनली इन्वॉल्व हुए टाटा लोग, तो उनको उन्होंने बोला कि सर हमें ना सिंगल विंडो सिस्टम चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम फॉर लाइसेंस। तो सिंगल विंडो सिस्टम लाइसेंस का वैसे ही बनाएगा जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया, इंट्रास्टेट के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इंटर स्टेट के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब जो पावर लिंक्स ट्रांसमिशन लाइन, अभी नाम उसका पावर लिंक्स ट्रांसमिशन लाइन है कंपनी का नाम, जो पहले ताला ट्रांसमिशन लाइन थी उसका नाम चेंज हो गया। सो पावर लिंक्स ट्रांसमिशन लाइन को बोला आपको 3 स्टेट में क्रॉस कर रहे हो आप, यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल, आपको तीनों स्टेट, क्योंकि 3 स्टेट्स हैं तो आपको तीनों में से किसी भी रेगुलेटरी कमीशन के पास जाने के लिए नहीं जरूरत नहीं, आप सीईआरसी के पास जाओ आपको लाइसेंस मिलेगा। सो फर्स्ट लाइसेंस अब आफ्टर एनैक्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वॉज गिवन बाय सीईआरसी टू पावर लिंक्स ट्रांसमिशन लाइन एज अ फर्स्ट प्राइवेट ट्रांसमिशन लाइसेंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सिंगल विंडो सिस्टम। सो आपको भी दर दर के, आपके इन्वेस्टर को भी दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं, आपको एक रेगुलेटरी कमीशन आइडेंटिफाई कर लीजिए डिपेंडिंग ऑन कहाँ कितनी लंबी आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, और वो आपको लाइसेंस इशू कर देगा, और जो लाइसेंस इशू करेगा वही रेगुलेट करेगा, वही टैरिफ डिटरमिन करेगा, वही कंडीशन, सब कुछ वही करेगा आपका, सिंपल सी बात है। एक्सेप्शंस अपार्ट, एक्सेप्शंस अलग चीज है। अब इन्होंने डीपीआर बनाना शुरू करी फटाफट, उसमें और चैलेंज आ गए, उसमें चैलेंज आ गया आरओडब्ल्यू का। चैलेंज आरओडब्ल्यू का ये आ गया कि मैं जब अपनी ट्रांसमिशन लाइन अगर लगानी है तो टावर बेस तो सब जगह लगाने पड़ेंगे, टावर बेसिस लगाने पड़ेंगे, तो कितने सारे टावर बेसिस लगाने पड़ेंगे, 1100 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है, तो मुझे, एंड रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन आता है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सो स्टेट के जो लैंड लॉज हैं वो सारे एप्लीकेबल होंगे। टाटा का ये कहना था कि अगर आप प्राइवेट पार्टिसिपेशन पार्टनरशिप चाहते हो तो आप इसके लिए अप्रूवल के लिए ना सिंगल विंडो सिस्टम, जिस तरह से आपने लाइसेंस का सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया कि भैया एक जगह मैं जाऊंगा अपना लाइसेंस लूंगा और मेरा काम खत्म, मैं ट्रांसमिशन लाइन बिछा दूंगा, सिमिलरली लैंड में जो टावर बेसिस लगाऊंगा उसके लिए मेरे को सिंगल विंडो सिस्टम चाहिए। ठीक है, कई बार हम आपस में पूछते हैं कि सिंगल विंडो बात होती रहती, होता क्या है सिंगल विंडो सिस्टम, ये एग्जांपल है सिंगल विंडो सिस्टम का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में एक प्रोविजन डाला गया, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का जो सेक्शन था सेक्शन 14 में लाइसेंस सिंगल विंडो सिस्टम, सेक्शन 68 में अप्रूवल सिंगल विंडो अप्रूवल। अब सिंगल विंडो अप्रूवल ने भी सेक्शन 64 में सेम लाइंस अडॉप्ट करी, सेम लाइंस अडॉप्ट करेंगे कैसे, लाइसेंस की तरह, कि आपको गवर्नमेंट से जो अप्रूवल लेनी है, अगर स्टेट विद इन द स्टेट अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो आप स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो, आपको हर कलेक्टर से या हर एनओसी हर ग्राम पंचायत से या विलेज से लेने की जरूरत नहीं है, आप चाहे नदी के ऊपर लगाओ, चाहे आप नाले के ऊपर लगाओ, चाहे आप जंगल में लगाओ, चाहे आपको जो सब सरकारी जमीन जहां जहां पे है वो सारी जमीन पे आपने एक अगर अप्रूवल ले लिया सेक्शन 64 का स्टेट गवर्नमेंट, सो वेस्ट बंगाल में है तो वेस्ट बंगाल का स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लिया, खत्म कहानी, आपको किसी पंचायत वंचायत किसी से लेने की जरूरत नहीं, आप वो अप्रूवल लगाओ और जितने टावर बेसिस लगाने आपको लगा दो, राइट ऑफ वे आपका कंप्लीट हो गया। सिमिलरली उन्होंने ये प्रोवाइड करा, इंटर स्टेट अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप एक अप्रूवल ले लो, और जितनी भी सरकारी जमीन है 3 स्टेट की 4 स्टेट की उसमें टावर बेसिस लगा दो, आरओडब्ल्यू आपका कंप्लीट 64। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब इन्होंने डीपीआर सर्वे करना शुरू करा कि टावर बेसिस कहां लगाने, और कभी रिवर क्रॉसिंग, कभी जंगल, कभी कैनाल में, सबको दिखाया कि ये तो भी हमारा अप्रूवल है, 64 का अप्रूवल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हम टावर बेसिस कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन इंडिया में 50% ऑफ लैंड इज एग्रीकल्चरल लैंड, किसानों के पास। अब जैसे ही वो किसान के पास पहुंचे
बोला टावर बेस लगाने के लिए पूरा पूरा गांव खड़ा हो गया कि भाई मैं नहीं लगाने दूंगा अपनी जमीन पे भाई, वाई शुड आई अलाउ, आपका राइट हो गया तो ठीक है, पूरी जनता के लिए मेरा क्या है, मेरे को थोड़ी बिजली आते रहे जो भी है, मैं तो वैसे ही लालटेन लगे लेके घूम रहा हूँ अभी, ठीक है। एंड आप जो टावर बेस लगा रहे हो उससे तो मेरी लैंड वो हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को बहुत ज़्यादा। अब जो ताला ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट था कि अगर डीटूर करते हैं या रीरूटिंग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है और फिर लॉन्ग टर्म में आपकी एटीएनसी लॉसेस भी बढ़ेगी, मतलब आप थोड़ी थोड़ी आप लोग अगर 25-30 साल चल रही है तो ऑटोमेटिकली हो सकता है वो 1,00,000 में 1,00,000 में कन्वर्ट हो जाए, अगर लॉसेज भी आप इतना लो तो लॉसेज भी थोड़े बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ेंगे, रीरूट करोगे तो लॉसेज बढ़ जाएंगे, अगर स्ट्रेट लाइन ही बेटर रहती है सीधे सीधी पहुंच जाए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, एक तो इमीडिएट कॉस्टिंग भी बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। तो ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सामने पेश करेगी कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट का कहना कि भाई पहले तो 50 साल से तो ट्रांसमिशन लाइन लगी आज तक तो प्रॉब्लम नहीं आई, आज क्यों प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो उसमें लीगल हर्डल था। और लीगल हर्डल ये था कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब लगा रही थी ट्रांसमिशन लाइन तो उसके पास अथॉरिटी थी एमिनेंट डोमेन अथॉरिटी। एमिनेंट डोमेन अथॉरिटी ये होती है कि राजा कहीं भी फॉर पब्लिक वेलफेयर खंभा गाड़ सकता है, चाहे वो टेलीग्राफ लाइन हो, और वो पावर्स डिराइव होती थी टेलीग्राफ एक्ट से। सो टेलीग्राफ एक्ट 1882 का ये कहता है कि आप ट्रांसमिशन लाइन या टेलीग्राफ लाइन या एनी अदर पोल्स किसी भी खेत में आप गाड़ना चाहते हो तो गाड़ सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ टेलीकॉम, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। ये पावर्स है स्टेट गवर्नमेंट की, राजा की शक्तियां हैं। अब बिकॉज पहली बार 51% टाटा को मिल गया, वो जो प्राइवेट एंटिटी थी, तो वो राजा की शक्ति खत्म। अगर वो जाएगा भी कोर्ट में तो कोर्ट बोलेगा कि आपके पास तो है नहीं एमिनेंट डोमेन पावर, यू आर अ प्राइवेट एंटिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में एक और सेक्शन इंक्लूड करा गया, वो सेक्शन 164 पहली बार पावर सेक्टर को, पावर के सेक्टर की एंटिटी, प्राइवेट एंटिटीज को वो राजा की शक्तियां दे रहा था, एमिनेंट डोमेन पावर। सो सेक्शन 164 प्रोवाइड्स दैट अ प्राइवेट कंपनी विच वांट्स टू एंटर अ प्राइवेट लैंड, इट कैन ऑल्सो एक्वायर द एमिनेंट डोमेन पावर by putting in an application to the government and then government will issue a gazette notification. उस gazette notification में लिखेंगे कि ताला transmission corporation को ये power दी जाती है कि आप किसी भी enter कर सकते हो। उसको भी single window बनाया गया, अगर within state है तो notification, gazette notification state government, और interstate है तो notification central government। 2003 ठीक है। तो 2003-2004 में एमिनेंट डोमेन पावर दिए गए टाटा पावर को, और फिर बाकी भी स्टेट में जैसे आपने बोला वो सब अपने अपने स्टेट्स को अपने अपने पावर उन्होंने दे दिए, ठीक है। अब किसान कि अब पावर्स हैं ट्रांसमिशन कंपनी के पास कि किसी भी खेत में वो घुस सकता है, किसी भी स्कूल में जा सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना खंभा अपना टावर बेस लगा सकता है, दैट इज। लेकिन 164 की एमिनेंट डोमेन की पावर्स होनी चाहिए उसके पास, तभी लगा सकता है, अदरवाइज नहीं लगा सकता वो। अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास एप्लीकेशन बहुत आने लगी 2003 के बाद, सो प्राइवेट कंपनीज ने भी करना शुरू करी, तो दो दो एप्लीकेशन आती थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास। फर्स्ट क्या करता था बंदा, जैसे इंटरस्टेट ट्रांसमिशन है तो पहले जाता था सीईआरसी सेक्शन 14 में लाइसेंस ले लिया, अपनी डीपी रिपेयर बनाना शुरू करें। सेकेंड एप्लीकेशन उसने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास लगाई कि मुझे सेक्शन 64 में अप्रूवल दे दो कि सारी सरकारी जमीन पे कहीं भी मैं अपना टावर्स लगा सकता हूँ। थर्ड एप्लीकेशन उसने लगाई सेक्शन 164 में कि मुझे एमिनेंट डोमेन की पावर्स दे दो, यहां अप्रूवल है वहां पावर्स है प्राइवेट लैंड, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर परेशान हो गई है, इतनी सारी एप्लीकेशन
काम करना मुश्किल होगा, उसने अपने पावर्स को डेलीगेट करा 2015 में टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और बोला 2015 डेट है हमारी 12 फरवरी 2015 में CEA हैज नाउ पावर्स और डेलीगेटेड पावर्स जहां पे वो एमिनेंट डोमेन की अथॉरिटी और दूसरा अपना अप्रूवल ट्रांसमिशन लाइन का दे सकती है. सो तीनों टोटल 16 अप्रूवल्स रहते हैं ट्रांसमिशन लाइन लगाने के लिए. 16 में ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी 16 में इंपॉर्टेंट है मेरी किताब में लिखे हुए पर वो अभी कोर्स से बाहर है. आपके तीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके लिए अभी जरूरी है, बाद में आप बाकी सबको पढ़ सकते हो. सोर्स भी आपको अगर पता हो ना तो ईजी पड़ता है, अगली बार आप सोच सकते हो चलो यहाँ देख लेते हैं यहाँ से ये मिल जाएगा अपने को. तब मैंने डोमेन की पावर मिल गई, लेकिन क्या आपको क्वेश्चन ये है कि कंपनसेशन किसान को देना है कि नहीं देना है? देना पड़ेगा क्योंकि आप प्राइवेट कंपनी के पास आ गए जो बेनिफिट ले रहा है. पहले था पब्लिक सेक्टर के पास जो काम फायदा कमाना नहीं प्राइवेट तो किसको देना है कंपनसेशन? जो सरकारी जमीन पे लगा रहा है उसमें कंपनसेशन देना है मतलब ये जो अथॉरिटी मिली है एमिनेंट डोमेन की सरकार की अथॉरिटी मिली है तो उसका कोई फायदा नहीं है क्या? सर टेलीग्राफ एक्ट में वो तो क्रॉप्स का कंपनसेशन देना होगा. करेक्ट राइट बिल्कुल सही है. अथॉरिटी मिलने का मतलब ये नहीं है इवन फॉर PSU और फॉर प्राइवेट कि आपको कॉम्पनसेशन नहीं देना. कॉम्पनसेशन देना है आपको, बस वो आपको रोक नहीं सकता. आपको ये नहीं कह सकता कि टावर मत लगाओ, टावर तो आप लगाओगे ही लगाओगे. इशू बस ये है कि आपको कॉम्पनसेशन कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, वो इशू है, वो डिटरमाइन करा जा सकता है. लेकिन टावर बेस लोकनेस एमिनेंट डोमेन पावर है, आप टावर बेस लगाने से कोई रोक नहीं सकता. तो क्या कॉम्पनसेशन देने के लिए आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट में जाना पड़ेगा 2013 में? नहीं जाना पड़ेगा. इसलिए नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एक्सेप्शन है. लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का लास्ट पेज आप देखोगे उसमें लिखा है कि These acts will override Land Acquisition Act. Or one of the acts which overrides Land Acquisition Act is. So, Electricity Act में जब ROW किया, मैं बाकी acquisition की बात नहीं कर रहा हूँ जो power plants लगाने के लिए. ROW सिर्फ ROW की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है कि नहीं? लेकिन सर जिस किसान की land लिया थी ना उसके लिए बड़ा आज के time में. पहले टाइम को छोड़ दो जब किसान के पास अब 2 बीघा 10 बीघा जमीन है और लाइन खींची उसके नीचे तो ना तो इधर कुछ कर सकता बेचारा ना इधर कुछ कर सकता ना वो जमीन को बेच सकता है तो उसके लिए वो जमीन जो है वेस्ट हो गई एक तरह से. अब यहाँ मोदीनगढ़ से मतलब मेरठ से इधर आओगे तो बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइन नीचे पड़ी है खेतों में. खेती नहीं बिगड़े मतलब दूसरे लोगों की जमीन जहाँ 1 करोड़ रुपए की 2 करोड़ रुपए की होगी उनकी जमीन आज भी 10 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की बोले क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जारी. सर उसने बेचने के लिए थोड़ी खरीदी थी. कुछ भी नहीं कर पा रहा, खेती नहीं कर पा रहा, खेती नहीं कर पा रहा क्योंकि लाइन घटे खोद दिए लोगों ने क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के जो तार हैं वो पीछे हैं. और जो आज ठीक है तो अब इंटरेस्टिंग हो गया. ROW ROW का मतलब क्या होता है? इसे वो 17 मीटर और 34 मीटर आपको उसके नीचे कोई बना नहीं सकते वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. बट कहाँ लिखा है सर? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में मैंने CA रेगुलेशंस मैंने सेफ्टी रेगुलेशंस सेफ्टी रेगुलेशंस ऑल गॉट डन. तो ये 17 मीटर क्या है? 17 मीटर लेंथ है सर. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सर वो एक्चुअली एरिया है. नहीं हॉरिजॉन्टल कितना है? 17 मीटर चार मंजिल बनाऊंगा तो नहीं बना सकता. तो हम उसके मीटर ये जो 50 और 70 मीटर ऐसे और पीछे आप यहाँ खड़े हो दोनों चारों के बीच में 17.5 मीटर इधर 17.5 इधर टावर के. हाँ
टावर के 17.5 मीटर थे, 17.5 तो 17.5 इंटू 2 हो गया, 35 हो गया, 35 मीटर हो गया। और ऊपर हाइट कितनी, हाइट उतार के हाइट नीचे 15 उसके नीचे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ऊपर भी ऐसे मुझे लगता है वो शायद हाइट नहीं है उसके नीचे, एप्लीकेशन लगा के उसको हटा सकते हो, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते लाइन के लिखा है ना सेक्शन 68(5) जो आप बोल रहे हो ना, ये लिखा है ना वेयर एनी ट्री स्टैंडिंग और लेइंग नियर एन ओवरहेड लाइन और वेयर एनी स्ट्रक्चर और अदर ऑब्जेक्ट विच हैज बीन प्लेस्ड और हैज फॉलन नियर एन ओवरहेड लाइन सब्सिक्वेंट टू द प्लेसिंग ऑफ सच लाइन इंटरप्ट्स और इंटरफेयर्स with or is likely to interrupt or interfere with the conveyance or transmission of electricity or the accessibility of any works, an executive magistrate or authority specified by the appropriate government may on application of the licensee cause the tree or structure or object to be removed or otherwise dealt with as he or it thinks. SDM करता है सर, हमारे दिल्ली। हाँ दिल्ली में SDM करता है, तो हाँ बात एक ही है, वो तो वहाँ पे DM खुद थोड़ी करता है, वो SDM को दे देता है कि आप करो अपने एरिया में। और एज अ लॉयर आपको ROW के इश्यूज देखने सारे के सारे, ठीक है, तो आपने एक्सपीरियंस अपना तो शेयर करा एक्सपीरियंस। किसान को क्या प्रॉब्लम है जब ट्रांसमिशन लाइन लग रही है, तो उसको प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर उसके लैंड की वैल्यू नहीं, सर वैल्यू के साथ साथ नहीं है, वैल्यू नहीं है, वैल्यू के साथ साथ समटाइम्स दिस पार्किंग्स कम्स उसकी खेत के खेत जलना क्रॉप्स, हां क्रॉप्स वो सबसे बड़ा सो की फसल पे डैमेज हो जाता फसल जल जाती सर पूरी फसल जाती है, जब भी स्पार्किंग हुई वो गिरी और वो गन्ने खेतों में बहुत आए काम, जैसे हम ब्लैक सीमेंट को गंदा बहुत आए एक्चुअली स्पार्किंग की वजह से होता है, वो गिर जाते हैं और सारी और थोड़ा सा नीचे भी आ जाती है अगर लाइन तो वो कैच भी कर लेता है सर। 7 मीटर का पूरा 7 मीटर के नीचे आप जाइए 220 की लाइन में आपको पकड़ लेगा पॉसिबल। तो ओहायो में कैसे केस हुआ था, ओहायो एक स्टेट है यूएसए में, 14 जनवरी 2014 में क्या हुआ कि एक बहुत हैवी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी, उस हैवी फ्लो के कारण क्या होता है सैग होती है ट्रांसमिशन, ठीक है, और वो पेड़ से टकरा गई और ब्लास्ट हुआ एक, और उस ब्लास्ट के कारण क्या हुआ डोमिनो इफेक्ट हुआ ग्रिड कोलैप्स करने का। तो 8 स्टेट्स यूएसए के और 4 स्टेट्स कनाडा, कनाडा और यूएसए के ना एक ही सिस्टम है पूरा का पूरा, कैस्केडिंग इफेक्ट डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट, पूरे 48 आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी सबसे डेवलप्ड कंट्री में नॉर्थ पूरा अमेरिका और पूरा कनाडा ब्लैकआउट हो गया 48, इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लैक्स आउट, सिर्फ इंडिया में ब्लैकआउट नहीं होते वहां भी ब्लैकआउट होते हैं, ठीक है। अब उस ब्लैकआउट का जब इन्वेस्टिगेशन रूट कॉज एनालिसिस करा गया तो आंसर है ROW, ROW में किसी ने पेड़ नहीं काटा था ढंग से या उसमें ध्यान नहीं दिया था जो कि भाई पेड़ सब क्लियर पैच क्लियर होना चाहिए। अब जैसे इलेक्ट्रिक्यूशन के केसेस आपके साथ कितने सारे आ रहे हैं भी, ठीक है, तो वही एक तरह से इस तरह का इशू था। तो ROW पूरे वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट, आप जब ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो आप देखना कि पूरा एक लाइन बना रहता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि वो कच्चा रास्ता है, वो कच्चा रास्ता क्योंकि ट्रांसमिशन ROW होता है। तो आप ट्रेन से अगर मान लीजिए आप ट्रैवल भी करोगे ऑस्ट्रेलिया ट्रेन से जाओगे तो बीच बीच में रास्ते बने हुए सारे के सारे, उन रस्तों ने तो जंगल को बचाया है। कई बार आप सोचते हो एनवायरमेंट के लिए ट्रांसमिशन लाइन खराब है, लेकिन रिवर्स है, क्या होता है वो कट प्रोवाइड करती है, जैसे कि जब आग अगर जंगल में लगी हो तो थोड़ा सा कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है। मूवमेंट ऑफ फायर फाइटर इज ऑल्सो इजी क्योंकि वो रूट देखा होता है लोगों ने, जो ट्रांसमिशन वालों को पता होता है ये रूट है अपना, तो फायर फाइटर का मूवमेंट भी शुद्ध और कट कर देती है वो आग को एक्चुअली। तो वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत काम आती है, मतलब इंडिया में भी सब जगह काम आती है। तो ट्रांसमिशन लाइन एनवायरमेंट के लिए कोई डैमेजिंग नहीं है,
इट इज पॉजिटिव फॉर द एनवायरनमेंट कि भाई जंगल के बीच से भी जा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुरंत अगर कोई बोलता है मेरे को कश्मीर या कहीं भी तो मैं बोलता हूँ कि भैया उसको जाने दो, फटाफट अप्रूवल दो, एनवायरनमेंट क्लियरेंस आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके जंगल को ज्यादा बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा. अब ठीक है, अब तो ROW को जनरली डिफाइन जो करते हैं टेक्निकल टर्म्स में वो दो वेज में करते हैं. कंडक्टर स्विंग रेडियस, अगर 180 डिग्रीज तक कंडक्टर स्विंग करा तो टावर से कितना डिस्टेंस होगा, नंबर वन प्लस एक प्लस ऑब्जेक्ट फॉल रेडियस. तो अगर ट्री है या कोई पोल है वो अगर फॉल करता है तो कहां गिरेगा. तो कंडक्टर का मैक्सिमम स्विंग और ऑब्जेक्ट फॉल रेडियस को जब आप ऐड करते हो उसको बोलते हैं राइट ऑफ वे या कॉरिडोर. कभी उसको इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस बोलते हैं, कभी उसको राइट ऑफ वे बोलते हैं, कभी उसको अलग अलग नाम से बोला जाता है, पर वो सेम चीज, मिनिमम इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस, ट्रांसमिशन कॉरिडोर, मिनिमम सेफ्टी क्लियरेंस, ये सारे वर्ड एक ही वर्ड है, ये राइट ऑफ वे. देयर वाज अ डिफिकल्टी. उस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए जब मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास बात आई तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मना कर दिया. मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये कहना था कि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग. बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम हायर अथॉरिटीज, हायर अथॉरिटीज तो जानते हो कौन है कि भैया इन्वेस्टमेंट चाहिए ट्रांसमिशन में एंड टू वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. सो एक नया रास्ता निकाला गया. नया रास्ता ये निकाला गया पॉलिसी चेंज का. पॉलिसी का मतलब क्या है? पॉलिसी चेंज तो कर दो लेकिन पॉलिसी मतलब होता क्या है पॉलिसी? चलो एक काम करते हैं, लॉ का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? तो फिर स्टार्ट करते हैं लॉ से. लेट अस स्टेप बैक. लॉ का मतलब सर ड्राफ्ट फॉर मेकिंग एनी प्लान्स. ड्राफ्ट फॉर मेकिंग एनी प्लान्स. लॉ का मतलब होता है पांच चीजें टुगेदर. फाइव इज अ लकी नंबर फॉर पावर. ठीक है, पावर ऑफ फाइव, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी. ओनली फाइव थिंग्स टुगेदर कंप्राइज ऑफ लॉ. तो आज के बाद कोई भी आपको लॉ के बारे में बोले तो क्लियर रहो कि ये पांच चीजें लॉ है. नंबर वन कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर वन कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर टू एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, जो भी और एक्ट है. नंबर थ्री रूल्स. नंबर फोर रेगुलेशंस. एंड नंबर फाइव नोटिफिकेशंस. ओनली फाइव थिंग्स टुगेदर कंप्राइजेस ऑफ लॉ एंड नथिंग एल्स इज लॉ. बस मोहित जी ना सेटिस्फाइड नहीं है. मोहित जी का कहना यह है कि सर क्या एप्टिल के जजमेंट का क्या हुआ, हाई कोर्ट के जजमेंट क्या गया, सुप्रीम कोर्ट का इतना मानना पड़ता है, उसका क्या हुआ भाई, वो भी तो लॉ है. मोहित जी वो नहीं है लॉ. लॉ वही है जो पांच चीजें, जनरेशन, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन. सिंपल. जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एप्टिल करती, इट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. आपको, मोहित जी को और अर्षद जी को कोई डिस्प्यूट है, वो बोल दो, जाते हैं कोर्ट में, वो बोलता है कि ये, अर्षद जी कुछ बोलते हैं, मोहित जी बोलते हैं, कोर्ट बोलता है ये है जो लिखा हुआ है. इंटरप्रिटेशन. लॉ मेकिंग पावर हाई कोर्ट, एक्टल किसी के पास नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है. वो बहुत छोटी सी है, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वो ये कहता है कि जब लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन में अगर कोई चीज साइलेंट है, नहीं है, तो वो टेम्पररी लॉ बना सकता है. ऐसा केस आए हैं बहुत सारे. एक केस ऐसा आया है, राजस्थान की एक एनजीओ को इशू ये था कि फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग वुमेन इन वर्क प्लेस देयर इज नो लॉ. तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी, पहले राजस्थान हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, टेलिंग की सुप्रीम कोर्ट की भाई फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग वुमेन फ्रॉम हैरेसमेंट देयर इज नो लॉ. तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे स्टेट्स को नोटिफाई करा और देखा कि ये सच बात है, कोई नहीं है लॉ. तो उन्होंने एक गाइडलाइंस बनाई और उस गाइडलाइंस का नाम था विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. उसके बाद ये सब गुड सबमिशन और बैड सबमिशन की भी गाइडलाइंस बनाई सुप्रीम कोर्ट ने. हां, रोड साइड जो एक्सीडेंट होते हैं उसके लिए, और उसके लिए बनाई स्कूल बसेस की गाइडलाइंस बनाई जब वो स्कूल का एक्सीडेंट हुआ था ना. उसके बाद तो बहुत सारी बनी.
तो अब वो गाइडलाइंस तब तक गाइडलाइंस रही जब तक एक्ट ना बन गया। जैसे 2013 में एक्ट बना खत्म गाइडलाइंस। सो टेम्पररी पावर है और वो भी गाइडलाइंस बनाने की, वो तब तक लॉ होता है जब तक साइलेंस है बस, बाकी सब लॉ नहीं है। तो एक तो हमारा क्लियर हो गया लॉ क्या क्या है। एक और चैलेंज था, एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि प्रायर पब्लिकेशन और प्रायर इंफॉर्मेशन इज कंपलसरी। हमारे जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी लिखा है कि आप जब भी लॉ बनाए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कुछ भी आप बनाए, पहले जनता को बता दो फिर उसके बाद। लॉ में प्रायर पब्लिकेशन एंड इंटीमेशन इज कंपलसरी। तो ब्रिटिश सरकार ने ये रास्ता निकाला, एक काम करते हैं इस नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल ने से तो हम परेशान हो गए, हम एक काम करते हैं जो भी चीज हम बनाए पहले न्यूज़पेपर में छाप दिया करें। तो उन्होंने बोला दो न्यूज़पेपर में छाप दो, एक अंग्रेजी एक वर्नैकुलर जो लोकल लैंग्वेज है, और इट विल बी डीम्ड एंड अज्यूम दैट एवरीबॉडी नोज द, चाहे पढ़ना आता है या नहीं आता है, ये क्लियर कर दिया। लेकिन सारे पेपरों में लड़ाई हुई, सब गवर्नमेंट से लड़ पड़े कि मेरे को ऐड दो, मेरे को दो, उनका उनको अपने पेपर भरने थे ना भाई, सरकार से पैसा मिल रहा है। और एक्ट तो इतने लंबे होते हैं वैसे भी, एक्ट और रेगुलेशन रूल्स लंबे लंबे, पूरी दो दो पेजेस भर जाएंगे उनके। तो वो नई समस्या को हल करने के लिए सरकार ने बोला ये सब छोड़ो, हम अपना खुद का ही न्यूज़पेपर निकालते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना न्यूज़पेपर निकाला, उसका नाम है गजेट ऑफ इंडिया। अब गजेट ऑफ इंडिया में कोई भी चीज छपी है प्रायर पब्लिकेशन खत्म, और everybody knows it is a public law, it's a valid document. Similarly, state governments ने अपने गजट निकाल दिए, every state. लेकिन जब PGCIL बनी 1992 में ना, तब इसको बहुत प्रॉब्लम है। क्या हुआ, NTPC, NHPC और नाइवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन और चौथी अपनी एंटिटी है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, उनके ऑफिसर्स, उन्हीं के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो पीजीसीआई ला गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार हमें हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हम अभी चीफ इंजीनियर, हम जनरल मैनेजर, हम जनरल मैनेजर, हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाएंगे, तो वो छोड़ के आ गए। अभी जो एनटीपीसी एनएचपीसी उनको भाव ही नहीं देते थे, बोले ठीक है तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइने चलाओ ना, हम नहीं माने, हम जो करना है हमें करेंगे। वो बोलते थे कि भैया ग्रिड में कम जनरेट करो, बोलते कि हमें कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी की आप देखो फ्रीक्वेंसी भैया, इसलिए तो बोल रहे हैं कि। सो पीजीसीआईएल की बात, पीजीसीआईएल के इंजीनियर्स की बात पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो पुरानी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं मानती थी। 1992 बनने के बाद ये समस्या आने लगी, 93, 94, 95 सब चलने लगी। 1998 में सरकार को तो कंप्लेन कर रही थी पीजीसीआईएल, लेकिन थोड़ा सा डर भी रही थी क्योंकि सब जूनियर ऑफिसर्स थे, ये सब सीनियर ऑफिसर्स थे, और एनटीपीसी एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन थे सारे, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, एनएचपीसी एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, पीजीसीआईएल नया बच्चा, ठीक है। अल्टीमेटली सरकार ने इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन बना दिया 1998 में। स्टेट के रेगुलेटर्स जो बने थे नए, वो कह रहे थे हम तो सिर्फ स्टेट में कन्फाइंड है, तो हम क्या करें पीजीसीआईएल, और पावर मिनिस्ट्री डिसाइड नहीं कर पा रही थी। पावर मिनिस्ट्री बोला चलो हम रेगुलेटर बना देते, 1998 में रेगुलेटरी कमीशन एक्ट बना के रेगुलेटर्स अपॉइंट कर दिए गए, सीईआरसी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अपॉइंट कर दी। सबसे पहली पिटीशन पीजीसीआईएल ने लगाई कि भाई आप हमारी बात नहीं सुन रहा है कोई, ग्रिड सिक्योरिटी हम कैसे मेंटेन करें, आप एक काम करिए जो एक्ट में लिखा है, रूल्स में लिखा है, नोटिफिकेशंस में लिखा है, रेगुलेशंस में लिखा है, उन सबको कंपाइल करके एक जगह दे दीजिए, सो दैट एवरीबॉडी लिसन्स टू अस। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने पीजीसीआईएल को एक काम दे दिया, बोला एक काम करो आप ही कंपाइलेशन बना लो, आप कंपाइलेशन बना लो जो आपकी ग्रिड है, आप कैसे ऑपरेट करना चाहते हो, ग्रिड के बारे में अगर कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है वो लिख दो, जो भी चीज एक्ट में लिखी है वो लिख दो, जो भी चीज रेगुलेशन में लिखी है वो लिख दो, जो भी चीज रूल में लिखी है वो भी लिख दो, जो भी चीज नोटिफिकेशन में लिखो वो लिख दो। तो उन्होंने क्या करा, उन सबको कंपाइल करके एक चीज बनाई जिसका नाम है ग्रिड कोड, और ग्रिड कोड को नोटिफाई करा गया सीईआरसी से। ऐसा नहीं है कि ग्रिड कोड में कोई अलग से चीज, वही चीज है। इससे आसानी यह हो गई कि नाउ ऑल द ऑपरेटर्स when they are operating the largest machine of India, what is the largest machine? Network. Grid is the largest machine of India. जिस जहाँ आप लोग work कर रहे हो, जिसको आप legal advice provide कर रहे हो, ये पूरे India की largest machine है भाई। इससे बड़ी कोई machine ही नहीं है, ठीक है। अब वो एक machine को चलाने के लिए grid code सब follow करेंगे। It is a compilation of law. तो sixth element. कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ग्रिड कोड, ये छह चीजें बना करके आपका बनता है एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस आप लॉस भी बोल सकते हो, एनर्जी लॉस बोल दो, क्योंकि मैंने ग्रिड कोड ऐड कर दिया है,
कंपाइलेशन ऐड कर दिया तो वो एनर्जी लॉस बन गया। अब 2003 में एक्ट बन गया, ग्रिड कोड तो पहले से बना था, फिर वो रिवाइज होता रहा। दो दिन पहले नया रिवाइज्ड ग्रिड कोड, नया ग्रिड कोड आया है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड जो सीईआरसी ने रिलीज करा, फिर वो अपडेटेड होता रहा। 2010 में भी अपडेट हुआ, फिर 2023 में अब फिर से अपडेट हो गया, नया पूरा रिवाइज्ड ग्रिड कोड बन गया है। अब 2003 में जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बन गया, तब फिर 2004-05 में सरकार चेंज हो गई। सो वी हैड अटल गवर्नमेंट, देन वी हैड मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। नई गवर्नमेंट में उन्होंने पूरा रिव्यू करा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उन्होंने बोला कि भाई ये पावर रिफॉर्म्स तो वैसे भी पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, बोला क्या क्या चेंजेस करने बताओ हमारी सरकार आ गई। सब जगह से इनपुट्स मांगे गए कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट खत्म कर दें अपन, फिर से वापस चले जाएं या नया बना दें या क्या कर दें। इट वॉज अ वेरी बिग सरप्राइज, एवरी स्टेट गवर्नमेंट सपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, सरकार रेडी थी चेंज करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इतने कंसेंसस के बाद बना था और इतने एफर्ट्स के बाद बना था और एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्वड। इसकी एक ब्यूटी ये है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की कि इट वाज इन्वॉल्वड, द स्टेट गवर्नमेंट्स वर इन्वॉल्वड इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। सो कोई ऑपोजिशन ही नहीं, सिर्फ एक छोटी सी डिमांड थी कि भाई थेफ्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए चार्जेस को, और जिस तरह से ग्रिड कोड है फॉर PGCIL उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए एक सप्लाई कोड की प्रोविजन डाल दिया जाए। तो 2007 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को अमेंड करा गया, दो चीजें ऐड करी गई सरकार। फर्स्ट इज कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन नोटिफाई करेंगे, और दूसरा थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंपाउंडेबल ऑफेंस, और जो हमारे जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं उनको एडिशनल पावर्स दी गई कि आप सिविल लाइबिलिटी भी डिटरमाइन कर सकते हो क्रिमिनल के अलावा। तो ये दो मेजर प्रोविजंस ऐड कर दिए गए 2007 में विथ रिस्पेक्ट टू। लेकिन हम अगर अपने डिस्कशन पे जाएं तो वी वर डिस्कसिंग ट्रांसमिशन, रिमेंबर ट्रांसमिशन से बात आ गई कि ROW में, शिवनी में और कपूरथला में जो इशू हुआ था उसको ठीक करने के लिए सरकार ने बोला हम लॉ नहीं बना सकते, लेकिन प्रेशर था, उस प्रेशर के लिए उन्होंने एक काम करते पॉलिसी बना सकते, पॉलिसी तो हम बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि पॉलिसी का मतलब क्या है, फिर पॉलिसी अगर समझना है तो हमने कहा कि अभी हम तो लॉयर्स हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड लॉ, तो हम लॉ पे आ गए। अब फिर से बैकवर्ड जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी। जिस तरह से लॉ में पांच चीजें हैं उसी तरह से पांच चीजें हैं पॉलिसी। So, आज के बाद ये क्लियर होना चाहिए कि क्या, व्हाट इज पॉलिसी। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब भी पांच चीजें हैं। नंबर वन, इफ अगर कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट अगर उसमें वर्ड पॉलिसी लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो पॉलिसी है। सेकेंड, इफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट उसमें गाइडलाइंस वर्ड लिखा हुआ है, वो भी पॉलिसी है। थर्ड, इफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट whether सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर वर्ड स्कीम लिखा हुआ है तो वो भी पॉलिसी है। फोर्थ, किसी डॉक्यूमेंट में अगर वर्ड प्लान लिखा हुआ है, प्लान के ऑल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं प्रोग्राम, रोडमैप, एक ही चीज है वो, प्लान, रोडमैप, प्रोग्राम एक ही ऑल्टरनेटिव वर्ड्स है, वो पॉलिसी है। फिफ्थ, अगर किसी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में अगर मॉडल एक्ट लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो पॉलिसी। ये है पॉलिसी। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अर्शद जी बोलेंगे कि सर आपको तो 20 साल से मैं जानता हूं, आप मुझे बताओ कि डिफरेंस क्या है भाई, इसमें कोई डिफरेंस भी है क्या। सो अर्शद जी, डिफरेंस है सब, एवरीथिंग इज मीनिंग। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट वर्ड पॉलिसी यूज करती है, तब गवर्नमेंट बताती है व्हाई एंड व्हाट, व्हाई आई एम डूइंग दिस, मेरा विजन है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री बने, या एंड व्हाट आई एम प्रपोजिंग टू डू। सो दैट इज पॉलिसी। सेकेंड, अगर वर्ड गाइडलाइंस यूज हुआ है तो इट इज हाउ,
हाउ टू डू समथिंग, या उसको बोलिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि भैया ये है एक स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर, इस तरह से आप कर लीजिए उसको गाइडलाइंस। थर्ड, अगर वर्ड प्लान इशू हुआ, प्लान प्रोग्राम रोडमैप, थर्ड इज स्कीम सर, स्कीम थर्ड इज स्कीम, ठीक है। अगर वर्ड स्कीम यूज हुआ है, अगर कोई भी आपसे पैसे की बात करे ना कि कहां पैसा है, तो बोलो स्कीम देख लो है। स्कीम मतलब पैसा, स्कीम में गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये है, ये अगर आप ये काम करोगे तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, सोलर रूफटॉप लगा लो 30,000 रुपए मिल जाएंगे, सब्सिडी स्कीम है, स्कीम फाइनेंस, फाइनेंस। सो जो पार्ट बी होता है इसका अपना बजट का, पार्ट ए ऑफ द बजट, पार्ट ए ऑफ बजट में सीएफए होता है, सेंट्रल फाइनेंशियल स्कीम। तो आप देख सकते हो उसमें पार्ट ए ऑफ द बजट में कितना पैसा कहां जा रहा है, तो आपको आइडिया होता है कि अगले साल इसमें काफी फंड्स आने वाले हैं। तो आप अपना जो बड़ी कंपनी है उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, एनजीओ भी अपना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है प्लान, प्लान प्रोग्राम या रोड मैप, ओके, और कई बार उसको मिशन भी बोलते हैं। वहां पे हु व्हेन वेयर बताया जाता है, हु मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा इस काम को, चीफ मिनिस्टर करेगा उस काम को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा उस काम को, हु या प्राइम मिनिस्टर करेगा, व्हेन एक महीना होगा वो, एक साल होगा, या दो साल का प्रोजेक्ट है, या फिर ये 5 years प्लान है। थर्ड, फिफ्थ मॉडल है, मॉडल नहीं, व्हेन 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 वेयर मतलब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना है कि स्टेट लेवल पे करना है, रीजनल लेवल पे करना है, वेयर, ये सब होता है प्लान में लिखा होता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है मॉडल, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक्ट नहीं बना सकती, वहां पे मॉडल एक्ट बना के डाल देती है। तो नीति आयोग क्या करेगा, एक मॉडल एक्ट बना देगा, टेनेंसी का मॉडल एक्ट, ठीक है। अब वो मॉडल एक्ट स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई कर सकते हैं, इट इज जस्ट पॉलिसी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम मॉडल एक्ट बना रहे हैं, आप करोगे तो हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे। जो चाणक्य ने बोला था साम दाम दंड भेद, तो जो सरकार चलती है वो साम दाम दंड भेद से चलती है। साम दाम जो अप्लाई होता है वो पॉलिसी में अप्लाई होता है, और दंड और भेद अप्लाई होता है आपका लॉ में। दंड भेद में आपको पनिशमेंट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, आपने अगर गलती करी है आपको अब लग गई ना पेनल्टी, ब्लैकआउट हो गया, पेनल्टी सबको 1,00,000 रुपए 5,00,000 रुपए लग गई, क्योंकि लॉ, आप ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे पता नहीं था, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। साम दाम, साम और दाम, दाम मतलब पैसे, और साम मतलब आपने प्यार से बोला यार स्वच्छ भारत करते हैं, आप बना लो बाथरूम वॉशरूम बना लो, पैसे भी ले लो थोड़े से, आपने मोटिवेट कर दिया। आप नहीं करोगे तो सरकार कुछ नहीं बोलेगी, मतलब आपको पनिशमेंट नहीं दे सकती कि टॉयलेट नहीं बनाया तो आप पनिशमेंट, चलो 2 दिन जेल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पॉलिसी साम दाम, और दंड भेद लॉ में आपको पनिशमेंट है भैया, आप फाइन है या कुछ भी है जो भी है। तो ये डिफरेंस होता है लॉ एंड पॉलिसी में। सो अब लेट अस कम बैक टू आरओडब्ल्यू। सो आरओडब्ल्यू में इशू ये हो गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए था, 2,002 करोड़ डिफरेंस। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, दे हैव फुल राइट्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम भाई इसमें लॉ तो बना नहीं सकते लेकिन हम पॉलिसी थोड़ी बना सकते हैं। तो उन्होंने पूरे इंडिया के जो रेवेन्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज द आईएएस ऑफिसर, आप समझ लीजिए एडिशनल एडिशनल सेक्रेटरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसके इक्विवेलेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं होता, आप समझ लीजिए जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड इट इज सीनियर इन द स्टेट गवर्नमेंट, पूरा इंचार्ज होता है रेवेन्यू का। उसके बाद सीधे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी आते हैं, मतलब वो जो डिसाइड करते हैं वो फाइनली होता है एक तरह से, उसमें चीफ सेक्रेटरी के पास चला जाएगा, कैबिनेट के पास चला जाएगा, ठीक है ना। तो सारे स्टेट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जिसके पास कस्टडी होती है सारे सरकारी लैंड की, ठीक है। तो वो सरकारी लैंड को किसको, इवन डिपार्टमेंट्स को अगर चाहिए सरकारी लैंड, या पीएसयू को भी सरकारी लैंड चाहिए, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट विल एलोकेट कि भाई ये लैंड आप ले लो, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट के पास अलग अलग चीजें होती है, वैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लैंड का कस्टोडियन होता है पूरे स्टेट का। तो पूरे इंडिया के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया गया और मीटिंग कराई गई। मीटिंग में यही डिस्कस हुआ कि भाई ट्रांसमिशन लाइसेंसेस को लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे दिया जाए, कि भाई उन पे यूनिफॉर्मिटी हो सारे स्टेट्स में विथ रिस्पेक्ट टू आरओडब्ल्यू। तो वहां पे डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या है,
भाई सरकार में जो उन्होंने अप्रूवल दे दिया 64 का, जब अप्रूवल दे दिया तो सरकार ने बोला मेरे को पैसे वैसे नहीं चाहिए, आप ट्रांसमिशन लाइन लगा रहे हो, आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, वैसे भी पैसा इतना खर्च कर रहे हो, तो सरकारी जमीन पे अगर जितने टावर्स आपको लगाने लगाओ, फॉरेस्ट में जितने टावर्स लगाने लगाओ, कोई इशू नहीं है मेरे को। लेकिन जब आप प्राइवेट लाइन एंटर कर रहे हो तब वो बोल रहा है कि एमिनेंट डोमेन पावर से आपने टावर तो लगा लिया, कॉम्पनसेशन मुझे दे दो। तो प्रॉब्लम क्या है किसान को चार प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम किसान को ये टावर बेस्ड लॉस्ट, टावर का जो बेस है वो उसका खत्म हो गया, उसमें कुछ काम नहीं कर सकता, खेती नहीं कर सकता, जो भी ट्रैक्टर नहीं घुस सकता उसके अंदर, ठीक है कि नहीं। दूसरा उसका प्रॉब्लम ये है कि कॉरिडोर लैंड में डिमिनिशन ऑफ वैल्यू, सो वहां पे आप कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते या कोई और पेड़ जो उगाना है वो पेड़ वेड़ नहीं उगा सकते। थर्ड लॉस जो है किसान को कि जब आप स्ट्रिंगिंग ऑपरेशन करते हो या टावर बेस लगाते हो उस टाइम पे, अच्छा क्योंकि आप लोग ट्रांसको के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ठीक है दिल्ली में आप कन्फाइंड हो, अभी अनऑथराइज देख रहे हो कंस्ट्रक्शन, वो अच्छा है, पर अगर कभी आप बड़ी में भी बड़ी जॉब में चले गए या आप इंटरव्यू देने चले गए तो आप ये प्रॉब्लम्स डिस्कस आप पीएससीबी में और सीनियर लेवल के वो बोलेंगे सब तो बेसिक्स आपको आता है कि लिटिगेशन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपसे ये पॉलिसी लेवल डिस्कस होगा एक्चुअली। सो अगर ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी और आपने जैसे वीडियोस देखे होंगे मेरे तो आप उसका आगे का पढ़ के उनको समझा सकते हो कि भाई सर मैं ऐसे हेल्प कर दूंगा, एंड इफ ही इज गिविंग 5 times, 10 times मोर सैलरी मे बी यू गेट एंटाइस या चलते हैं या रिटायरमेंट के बाद, तो आपके लिए बेसिक नॉलेज क्योंकि ट्रांसको में आप वर्क कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी ओवरऑल प्राइवेट पावर सेक्टर की तो है ही, ये ज्यादा आपके लिए रेलेवेंट है। तो सेकेंड प्रॉब्लम उसकी डिमिनिशन ऑफ वैल्यू होगी, लैंड वैल्यू, जैसे सर बोल रहे थे कि बीच में टावर बेस चला गया तो वो लैंड ही उसकी कॉस्ट बड़ी कम हो गई उसकी ना, कुछ बिल्डिंग या हॉस्पिटल कुछ नहीं बन सकता उसमें, लंच हाँ। सो बाकी जो तो प्रॉब्लम्स है किसान को वो हम लंच के बाद डिस्कस करते हैं।